प्रथम पहल का न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो फिरोजपुर की रैली में नहीं पहुंच पाए। दरअसल इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जानकारी देते हुए कहा है कि सुरक्षा में चूक होने के कारण प्रधानमंत्री की रैली जो है वो रद्द की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका और 15 से 20 मिनट तक जो है वो फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसे रहे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो फिरोजपुर से आ रही है, जहां फिरोजपुर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंच पाए। आपको बता दें कि सुरक्षा में चूक के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है वो रद्द हो गई। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है इसको लेकर जानकारी साझा की है और उन्होंने कहा है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के काफिले को रोका और 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसे रहे। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि पंजाब सरकार को पहले ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जानकारी दे दी गई थी। पंजाब सरकार को प्लान बी तैयार रखना चाहिए था। सड़क मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात नहीं की गई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक थी। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये कहना है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक थी और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सड़क मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात नहीं की गई। इसके साथ ही डीजीपी ने सड़क मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है। और इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो सामने आ रही है। आपको बता दें कि फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी रैली में नहीं पहुंच पाए। दरअसल सुरक्षा में चूक होने के कारण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रद्द हो गई। आपको बता दें कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका और 15 से 20 मिनट तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लाईओवर पर फंसे रहे। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये कहना है, उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सुरक्षा में चूक के कारण पीएम मोदी की रैली जो है वो रद्द की गई और कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के काफिले को रोका, जिसके कारण 15 से 20 मिनट तक पीएम मोदी जो है वो फ्लाईओवर पर फंसे रहे। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो सामने आ रही है फिरोजपुर।